दोस्तों मैं आपको दिल्ली में ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ पे दोस्तों मिलती है गर्मा गर्म नान खटाई, यानी कि अंकल जी सामने आपके आंखों के सामने यहाँ पे बना के गर्मा गर्म यहाँ पे बेच रहे हैं। तो भैया देख लो यहाँ पे कितनी सारी नान खटाई रखी हुई है और यहाँ पे फ्रेश, जिसे कहते एकदम ताजा माल। जी हाँ दोस्तों, आपने नान खटाई तो खाई होगी लेकिन नान खटाई बनते हुए नहीं देखा होगा। और यहाँ पे रखा हुआ है अंगीठी वाला जो कोयला होता है वो रखा हुआ है, और ये देखो भैया यहाँ पे बना रहे हैं। तो भैया इसके अंदर क्या क्या होता है? सूजी, बेसन घी और क्या? अच्छा जी, तो ये जो मिक्सचर है इसमें सूजी, बेसन घी और सारी चीनी वगैरह मिला के बनता है। तो कितना टाइम लग जाता है अंकल इसे बनने में? तीन घंटे लग जाते हैं। और एक यहाँ पे रेडी हो गया है, अब ये देखिए भाई, ये देखो कितनी देर लगेगी अंकल इसे पकने में? 10-15 मिनट। तो भैया 10-15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखो काफी सारे बना के रखे हुए हैं। तो भैया ये कोयला डल रहा है इसमें, सिकाई ऊपर ऊपर से होती है, नीचे से भी होती है। तो यहाँ नीचे भाई कोयला देख लो, नीचे कोयला भी जल रहा है और ऊपर से भी कोयला गर्म करके रखा हुआ है। भाई ये कोयला डाल दिया अंकल ने। तो भाई ये कलर देख सकते हो, इसमें कलर आ रहा है, वाह। भाई ये देखो कलर आ चुका है, देख लो भाई। तो भाई ये पूरी तरीके से कोयले की वजह से सिक गया है अंकल। ओ भाई ये देखो भाई, यहाँ पे लाइन देख लो, एक एक करके भैया ने यहाँ पे कितने सारी नान कटाई यहाँ पे बना रखी है भाई, ये देख लो। और एक एक करके यहाँ पे इससे निकालते रहते हैं यहाँ पे। ये भैया का सांचा, इसे क्या कहते हैं भैया? डाई। अच्छा, पत्थर के चकिया से चीनी पीसनी पड़ती है, फिर इसके बाद इसमें डाला जाता है। यानी पीसी भी बाजार से लेकर नहीं आते आप? अच्छा, खुद ही बनाते हैं घर पे। तो भैया ये बताओ, ये नान कटाई कितने साल से बना रहे हो आप? 25 साल हो गए। तो आप 25 साल से यहाँ पे नान कटाई बेच रहे हो। तो भैया ये लगा के रखते हो आप, ये जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है, और जस्ट इसके बाहर निकलेंगे तो भैया आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये देख लो भैया, एक बार टाइम बता दो, कितने बजे कितने बजे लगा के रखते हो? 4 बजे से 9 बजे तक। तो ये 4 बजे से 9 बजे तक यहाँ पे लगा के रखते हैं। और भैया ये जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से नीचे उतरेंगे, जस्ट सामने आपको भैया मिल जाएंगे। भैया रोज लगा के रखते हो यहाँ पे? कभी कभी छुट्टी हो जाती है। रेट बता दो एक बार। 200 रुपए किलो। और अगर 10-20 रुपए का कोई लेना चाहे तो ले सकता है? 10 रुपए का। अच्छा, तो मतलब अगर कोई एक दो खा के भी टेस्ट करना चाहता है वो आप दे देते हो? तो बहुत ही बढ़िया है। तो भैया, तो भाई एकदम ताजा ताजा है। तो अंकल जी मेरे को दे दो इसमें से, दे दो मेरे को 5 रुपए का, और जो कम सीखा है ना वही देना थोड़ा, ठीक है? ये भाई ज्यादा गर्म खाओगे तो मुंह जल जाएगा। तो ये देखो भाई मैंने ले लिया है। तो भाई आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं नान कटाई। देखो भाई, आपने बिस्किट खाया होगा यार, लेकिन ये देखो अंकल ने कितनी सारी नान कटाई दी है। तो भाई कलर देख लो कितना बेहतरीन लग रहा है, और एक तोड़ के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई इतना सॉफ्ट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, एकदम घर पे जो मट्टी बनती है ना वैसा लग रहा है। लेकिन इसको खा के बताता हूँ आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों ये इतना खस्ता हो रहा है ना कि आप अगर कोई नॉर्मल बिस्किट बाहर से खरीदो तो ऐसा बिस्किट नहीं मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा भाई यहाँ पे। तो वीडियो देख लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।